स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SECP के ताबों से सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री का इफ्तिताह। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SECP के ताबों से सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक SECP के ताबों से सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख समेत आलमी बैंक और वजारत ख़जाना के हुकाम ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुशीर ख़जाना का कहना था कि छोटे और दरमियाने दर्जे का तहफ़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। दरमियाने दर्जे की सनअत सिर्फ 10% की पैदावार दे रही है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि सहूलियात की नामुनासिब रसाई से छोटे कारोबार की पैदावार कम है। सिक्योर रजिस्ट्री से छोटी सनअतों को सहूलत में बेहतरी आएगी। मुशीर ख़जाना का कहना था कि रजिस्ट्री की बदौलत छोटी सनअतों के कारोबार को फ़रोग मिल पाएगा। सिक्योर रजिस्ट्री से छोटी सनअतें मुस्तफीद होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी सनअतें मुस्तफीद होंगी जिनके पास गिरवी रखने के लिए गैर मनकूला जायदादें नहीं। सिक्योर रजिस्ट्री की बदौलत छोटी सनअतें गैर मनकूला जायदादें गिरवी रखवा सकेंगी। दूसरी जानिब सिक्योर ट्रांजेक्शन एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए क्रेडिट एंड श्योरिटी शिप कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 2018 में तरमीम की तजवीज़ भी दी है। ज़र ज़मानत री इंश्योरेंस से अलग किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियाँ 10% ज़मानत हासिल कर सकती हैं।